तुम्हें सिर्फ मोहब्बत की बातें करना आती है और कुछ भी नहीं। मोहब्बत करनी तो आती है, बस इजहार करना नहीं। ये कहना नहीं आता कि तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, तुम्हें भूल नहीं सकता, आखिरी सांस तक तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हें ना देखूं तो सांस ही नहीं आता। अम्मी भाई आपको बता चुके हैं ना पहले ही। बदतमीज, अपनी बेशर्मी को किस कदर बदतमीजी से कबूल कर रही हो। अस्सलाम वालेकुम अंकल, आप आए ना, जहीर साहब आए। मलाला एक सेकंड मेरी बात सुनो, इतना बुरा मनाने वाली क्या बात है। घर आए मेहमान के साथ इस तरह का सलूक करना शायद तुम्हारे लिए आम बात होगी, इसलिए तुम ये सब बोल रहे हो। अच्छा मैं उनकी तरफ से सॉरी बोलता हूँ, ओके? उसे क्या हो जाएगा? मेरे बाबा का किया हुआ बर्ताव तुम्हें नजर आ रहा है, पर जो मामा ने तुम्हें प्यार दिया वो तुम्हें नजर नहीं आ रहा। मुझे सब नजर आ रहा है। जो शख्स मुझे इस घर में थोड़ी देर के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकता, तुम कह रहे हो वो मुझे सारी जिंदगी के लिए बर्दाश्त करेगा। मलाला जिस शख्स की तुम बात कर रही हो मेरा बाप है, और किसी के भी बाप के बारे में ऐसे बात नहीं करते। तुम मुझे ड्रॉप कर रहे हो या मैं कैब बुला के जाऊं? अच्छा चलो मैं ड्रॉप कर। मीरा, वैसे माँ जी ने तो तुम्हें माफ नहीं किया, लेकिन मैं ये काम कर सकती हूँ। तुम्हें माफ कर सकती हूँ। आप जैसे से माफी नहीं मांगते बल्कि पनाह मांगते हैं, वो भी अल्लाह से कि आप जैसे लोगों के शर से बचाए। लेकिन देखो ना, तुम्हारे शर से तो मेरा भाई बच ही नहीं सका। तुम्हारे बारे में सब कुछ जानने और सुनने के बाद भी वो तुमसे शादी करना चाहता है। उसके राजी होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता है? बात तो तब है ना जब मैं राजी हूं, और ऐसा कभी नहीं होगा। वैसे मेरी अम्मी और भाई मुझसे नाराज क्या हो गए? आपने तो मुझे बिल्कुल ही लावारिस समझ लिया, और अपने भाई को मेरा वारिस समझ लिया। मेरा बस चले ना, तो मैं अपने भाई को तुम्हारी शक्ल भी देख लूंगा। आपकी तरह बेबस तो मैं भी हूँ, ना चाहते हुए भी दिन रात आपकी शक्ल देखनी पड़ती है। लेकिन आप मेरी बेबसी पे मत जाइएगा, क्योंकि आपसे जुड़े पहले ही रिश्ते की सजा काट रहे, फिर नया रिश्ता क्या जोड़े। क्या बात है, खैरियत तो है? आपने खाना भी नहीं खाया, क्या बाहर से खाना खा के आए? बाहर से खाना खा के तो नहीं आया हूं, लेकिन घर आने के बाद मेरी भूख खत्म हो गई। और उसकी वजह मलाला है? जब जानती हो तो पूछ क्यों रही हो? पूछ नहीं रही, बता रही हूँ। आप उसको इस तरह से राफे के साथ देखकर मुझे भी हैरानी हुई, और हैरानगी में उसकी खातिर मदारत में लग गई। अरे वो राफे के साथ नहीं आती तो मैं ऐसा हरगिज नहीं करती। तुम और तुम्हारे बेटे ने जो करना था कर लिया, अब तुम मुझे बताओ क्या मैं ऐसे लालची खानदान में अपने बेटे की शादी करा सकता हूँ जिस खानदान के सर मेरे भाई का खून हो? मैं ऐसा कब कह रही हूँ आपसे कि आप अपने खून के खातिर अपने भाई के खून से दगा कर लें,
मैं तो आपसे ये कह रही हूँ कि हम प्यार से भी तो राफी को समझा सकते हैं ना। सही बात, मेरे बेटे के साथ साथ तुम्हें भी ऐसे ही लगता है जैसा मेरे बेटे को लगता है कि मैंने उसे प्यार से नहीं समझाया। चले आप परेशान हैं। कैसे परेशान ना हूं? जब तक वो उस लड़की के साथ रहेगा मेरी परेशानी तो खत्म नहीं होगी ना। अच्छा चले परेशान नहीं हूँ। देखिए आपने खाना भी नहीं खाया था ना, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ, ठीक है? नहीं, चाय मैं बाद में पीऊंगा, पहले राफे को मेरे पास भेजो, मैं उसको आखिरी मर्तबा फिर समझाने की कोशिश करूँ। वो राफे तो घर पे नहीं है। इस वक्त घर पे नहीं, कहाँ गया भाई? वो मलाला को घर ड्रॉप करने गया। मलाला, बेटा वो मैं तुमसे पूछ रही थी कि तुमने भाई को अच्छी तरह नाश्ता दे दिया? अम्मी। ये तो तुमने जबरदस्त काम किया, शाबाश। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। अरे भाई इतना तैयार होके कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे ससुराल। ससुराल? मजाक कर रहा हूँ, जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहा था। वापसी पे आते हुए मिठाई लाजमी लेके आना। मिठाई किस खुशी में? जॉब की खुशी में। जॉब लगने तो दो पहले। मैंने दुआ दे दी समझे लग गई जॉब। अगर तुम्हारी दी हुई दुआ लग गई ना तो जो मांगोगे ना इनकार नहीं करूंगा मैं। वक्त आने पे देख लेंगे क्या करते हो क्या नहीं। और तुम देख लेना वक्त आने पर ना ये मुकर जाएगा बिल्कुल। अम्मा आपका बेटा जॉब इंटरव्यू पे जा रहा है, ऐसे रुखसत करेंगे क्या? नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं अपने बच्चे को प्यार और दुआओं से रुखसत करूंगी। फिर देखिएगा जॉब लेके ही आऊंगा मैं इंशाल्लाह। चलता हूँ इंशाल्लाह। बाय। ऐसे तंग ना किया करो भाई को बेटा। अम्मी आप क्या भाई से अभी भी नाराज हैं? हाँ बेटा इसने बात ही ऐसी की है, कहता है कि नौकरी जो भी हुई वो मैं कर लूंगा लेकिन शादी अपनी पसंद की लड़की से करूंगा। अब तुम मुझे बताओ मैं इसकी नौकरी की खुशी मनाऊ या इसकी मर्जी की शादी का सोग मनाऊं? उदास कर दिया मुझे इसने, कुछ सोच भी नहीं सकती अभी मैं। राफे जी। मामा कहाँ जा रहे हो ऐसे बगैर नाश्ता किए? मामा मुझे भूख नहीं है। ऐसे कौन कहता है कि मुझे भूख नहीं है? चलो शाबाश पहले नाश्ता कर लो फिर जहाँ दिल चाहे चली जाना, हम नहीं रोकेंगे। मामा मैं नाश्ता ना भी करूँ तो मैं रुकने वाला नहीं हूँ। अरे राफे रात लगाए मैं अपने इस इश्क में, अब चलो। तुम क्यों मेरे इश्क की दुश्मन बनी हुई हो? मैं नहीं अम्मी बनी। क्या कह रही? कहना तो पता नहीं लेकिन तुम्हें साथ लेके जाना, चलो। कहाँ? मार्केट। और कहाँ? मुझे लगा पता नहीं क्या कयामत आ गई है, तुम लोग जाओ मेरा बिल्कुल मूड नहीं। ओहो पक्का? Thank you.
अम्मा भाई साहब, अरे कहाँ रह गए सबके सब? मिठाई? अरे मैंने कहा था ना जॉब लग जाएगी। अरे हाँ, मुझे भी ये लगता है कि तुम्हारी दुआओं से ना जॉब मिल गई मुझे। भाई वादा तो पूरा करें। वादा? कौन सा वादा? वादा किया और भूल गए? हाँ। अब ये भी याद कराना पड़ेगा। करवा दो याद। भाई आपने कहा था आपकी जॉब लग जाएगी तो मैं जो मांगूंगी आप देंगे। वादा ना भी करता ना, जो भी तुम मांगोगे ना दे दूंगा तुम्हें। अभी बताओ अम्मा किधर है? वो यही पड़ोस में गई है, अभी आती होंगी। अरे अम्मा देखे भाई की जॉब लग गई। अरे माशाल्लाह, मैंने कहा था ना। माशाल्लाह माशाल्लाह, सैलरी कितनी है? अरे पहले मुंह तो मीठा करें। नहीं बिल्कुल भी नहीं, जिसकी खुशी की मिठाई है उसी के हाथ से खाऊंगी। अरे आपने मेरे दिल की बात कह दी, ये लीजिए। थोड़ी 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 क्यों, पूरी खाइए ना। देखो बेटा मैंने तो अपने दिल की बात कह दी है, अब तुम भी अपने दिल की बात कह दो। दिल की बात? कौन सी दिल की बात? उसका नाम बता दो। किसका? जिसके लिए तुमने अपनी मंगनी तोड़ी और मेरा दिल। नीरव। एक सेकेंड। रुको तो सही, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे हाथ लगाने की? हजार बार कहा है मुझसे दूर रहा करो। मैंने हजार बार तुम्हारे सुनी बात, सौ बार तो उस पर अमल भी किया, लेकिन अब एक बार भी नहीं सुनूंगा। क्यों, अब ऐसा क्या हो गया? हमारा रिश्ता जो तय हो गया है। और ये तुमसे किसने कहा? मैंने कहा है। और मुझसे मत पूछना तुम कि मुझे किसने कहा, क्योंकि तुम जानती हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी ये मुश्किल हल कर सकती हूँ। तो फिर आप मुझ पर मेहरबानी कीजिए और अपने इस निकम्मे भाई को कहें कि यहाँ ना आया करे। कैसे ना आया करे? और तुम होती कौन हो मेरे भाई को मेरे घर आने से रोकने वाली? अब ऐसा तो ना कहें कि ये होती कौन है, अपना समझती तभी तो पाबंदियां लगा रही है, और मैं इसकी पाबंदियां कबूल करता हूँ। बस ये मुझे कबूल कर ले। मैंने तुम्हें मना किया था कि यहां मत आना, एक तो तुम आगे ऊपर से तमाशे कर रहे हो। तमाशा करने नहीं आया था मैं यहाँ पर, मैं तो अंगूठी दिखाने आया था। किसको? दिखाने तो आपको आया था, लेकिन पहनाने मीरब को। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? इसमें दिमाग खराब होने वाली कौन सी बात है, बिना अंगूठी के मंगनी कैसे होगी? मंगनी? तुम यहाँ इस वक्त ऐसे मंगनी करने आए हो? यही समझ लो, इधर दो मुझे, और जब तक मैं नहीं कहूंगी ना यहां मत आना। अभी आप भी मुझे मीरब की तरह आने से रोकेंगी? ऐसा ही समझ लो, लेकिन तब तक जब तक मैं ये अंगूठी मीरब के हाथ में नहीं बना देती। अरे बेटा ये क्या कर रहे हो? कल से ऑफिस की जॉइनिंग है ना, तो उसी के कपड़े सिलेक्ट कर रहा था। क्या मतलब, ऐसे काम भी तुम खुद करोगे? तो और कौन करेगा? तुम्हारी बीवी करेगी और कौन करेगा? पहले खुद को संभालने के काबिल हो जाऊं, फिर बीवी भी ले आऊंगा। इतने मुतमईन थे तो फिर उसका नाम लेने की ऐसी क्या जल्दी थी?
तुम भी ना बेटा, न घर वालों की सुनते हो और ना ही मोबाइल वालों। मम्मी आप भी ना मौका तलाश करती रहती मुझे ताना देने का कि मैं कुछ नहीं करता। इसीलिए तो तुमसे यहाँ पूछने आई हूँ बेटा। क्या पूछने आई? तो बेटा उस लड़की के घर कब जाना है? मीरब के घर। हाँ याद आया, यही नाम बताया था तुमने, मीरब। हाँ ठीक है, मैं उससे पूछता हूँ कि हम कब आ सकते हैं। अच्छा, यानी अभी से उससे पूछे बिना तुम कुछ कर ही नहीं सकते? जाहिर सी बात है, उसको बताना तो पड़ेगा ना कि हम लोग आ रहे हैं मिलने के लिए। यानी उसे भी तुम्हारी तरह घर वालों को बताना है या मनाना है? ऐसा ही समझे। अच्छा ठीक है, फिर जिस दिन जाना हो ना उसे बता दे। हेलो, कहाँ थे तुम? तुम्हें कब से कॉल कर रही हूँ मैं। जब तुम कॉल कर रही थी तो मैं अम्मी से खड़ा होकर तुम्हारी बात कर रहा था। अभी से जिक्र कर रहे थे तो मेरी कॉल पिक कर लेते, मैं भी तो सुनती क्या जिक्र कर रहे हो तुम। क्या हुआ, इतनी उलझी भी क्यों हो तुम? तुम्हें मेरी उलझन की इतनी फिक्र हो रही है तो मुझे बताते क्यों नहीं हो? छुपाया क्या तुमसे? तुमने अम्मी से मेरी बात की ना तो उन्होंने क्या जवाब दिया? वो यही कह रही थी कि तुमसे पूछूं कि तुम्हारे घर रिश्ता लेकर कब आ सकते हैं। आने को तो तुम आज ही आ जाओ, इससे पता है क्या होगा, मेरे घर वाले तुम लोगों को मेरी और शान की बात पक्की होने की खुशी में मिठाई खिला के घर भेज दें। क्या, तुम्हारी बात पक्की हो गई? तुम मुझे अब बता रही हो ये? वैसे भी अभी भी बताया था तुमने क्या कर लिया। तुम्हारी बातों से तो यही लगता है कि तुम भी यही चाहती हो। हाँ मैं भी यही चाहती हूँ, इसलिए तो तुमसे फोन पे बात कर रही हूँ अभी। साफ साफ क्यों नहीं कहती कि आओ और मुझे दुल्हन बना के ले जाओ? सारिन, मैं जब भी तुमसे बात करती हूँ हमेशा यही बात करती हूँ, लेकिन तुम समझते ही नहीं हो। अच्छा अगर ऐसा है तो तुम्हारे घर आऊंगा मिठाई लेके, और वही मिठाई अपने हाथों से सबको खिलाऊंगा। पूछोगे नहीं किस खुशी में? किस खुशी में? क्योंकि मुझे नौकरी मिल गई है। अच्छा, और तुम मुझे अब बता रहे हो? हाँ मैं तो अभी भी बताना नहीं चाह रहा था, मैंने सोचा था कि मेरी नौकरी की और हमारी एक होने की खुशी एक साथ ही मनाते हैं। अच्छा अगर ऐसा है तो फिर कल ही आ जाओ, और आई प्रॉमिस मैं तुम्हें पहली मुबारकबाद हमारी एक होने की दूंगी। अम्मी, इसका मतलब आपने सारिम भाई के आगे हार मान ली और आप मीरब के घर इसीलिए रिश्ता लेके जा रही हैं? बेटा हम मीरब के घर जरूर जा रहे हैं रिश्ता लेने, लेकिन मैं अपनी बात से नहीं फिरी हूँ। इस बात का क्या मतलब है? मतलब ये कि हम तुम्हारे भाई के रिश्ते के लिए जाएंगे वहाँ, लेकिन इस रिश्ते से इनकार हो जाएगा। ये आपसे किसने कहा? बेटा सारिम की बातों से तो यही लगता है कि ये रिश्ता उन्हें कबूल नहीं है। तो आप ये कहना चाहती हैं कि हमारे वहाँ जाने से भाई हमसे खुश हो जाएंगे और वहाँ जाके रिश्ते से इनकार सुनकर आप खुश हो जाएंगी और फिर आप भाई की शादी मेरे ससुराल में कर देंगी? तो बेटा इसमें क्या बुराई है? ये सब कुछ मैं तुम दोनों बहन भाइयों की बेहतरी के लिए कर रही हूँ, और तुम देख लेना तुम लोग सारी उम्र मेरे इस फैसले पर मुझे दुआएं दोगे। से हो रही हो खाम खाई, जाओ जाके चाय बना के लाओ मेरे लिए। जब उस शान ने तुम्हारा हाथ पकड़ा था, दूसरे हाथ से उसके मुंह पे थप्पड़ मारती ना,
दिल तो चाह रहा था मुंह पर रख के थप्पड़ मारूं, लेकिन फिर सोचा हमारा नहीं तो भाई का तो कुछ लगता है ना। वो भाई का जो भी लगता हो, मुझे ना वो बहुत जहर लगता है। खैर छोड़ो, तुम ये बताओ शॉपिंग करके क्या लेके आई हो? तुम्हें मेरी लाई हुई चीजें कभी पसंद आई है? खैर, तुम्हारी शादी की सारी शॉपिंग की जिम्मेदारी मेरी, वो सब मेरी मर्जी का होगा। हाँ, शादी अम्मी के पसंद के लड़के से हो रही है और शादी की शॉपिंग तुम कर लेना, क्या हो जाएगा? तुम ऐसे क्यों कह रही हो? सारिन से कोई बात हुई है? क्या वो अपनी अम्मी और बहन को हमारे घर लेके आ रहा है? तुम्हारा हाथ मांगने? इतनी खुशी की खबर तुम इस तरह मुंह लटका के सुना रही हो? क्योंकि वो अभी सिर्फ हाथ मांगने आ रहा है, बारात लेके नहीं आ रहा। अभी तो हाथ मांगने उसे आने दो, बारात भी लेके आ जाएगा। और उससे पहले भाभी साहिबा का शान आ गया तो उसका क्या करेंगे? तुम शान को सारिन से कंपेयर कर रही हो? मैं करूं ना करूं, लेकिन अम्मी ने तो कंपेयर कर लिया है ना, और सारिन को देखे बगैर रिजेक्ट भी कर दिया। एक तो तुम मोहब्बत करने वालों के ना बड़े मसले मसाइल हो। खैर, अम्मी की टेंशन तुम छोड़ दो, मैं अम्मी से बात करूंगी। तुम क्या बात करोगी? मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि भले से वो सारिन को कबूल ना करें, लेकिन एटलीस्ट एक बार तो उसे घर आने की इजाजत दे दें। फिर तुम्हारी शादी सारिन से हो या ना हो, तुम्हारे लिए एहसास ही काफी रहेगा कि सारिन तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है। और अगर उसकी अपनी लक पे जरा सी भी चलती ना, तो वो सिर्फ तुमसे ही शादी करे। खैर छोड़ो, तुम ये बताओ कि मेरे लिए क्या लाई हो तुम? आई एम श्योर कि तुम्हें इस बार ना मेरी लाई हुई चीजें पसंद आएंगी। एक सेकंड, ये वाला देखो। ये देखें अंगूठी, अच्छी है ना? सच में अच्छी है। कब ली? मेरी नहीं है और ना ही मैंने खरीदी है। फिर किसकी है? नीरब की। आप, मेरा मतलब है कि शान ने अंगूठी मंगनी के लिए खरीदी है, तो मैं क्या सोच रही थी ना, क्यों ना मंगनी के बजाय शादी कर दें। इस एक अंगूठी से मंगनी तो हो सकती है, लेकिन सोनिया शादी नहीं हो सकती। अच्छी तरह जानती हूँ कि आप क्या कह रहे हैं, और अगर मेरे भाई ने मंगनी का इंतजाम कर लिया है तो शादी का भी इंतजाम कर ही लेगा। आप बस अपनी अम्मी से बात करके शादी की तारीख तय करें। अच्छा ठीक है, मैं करता हूँ अम्मी से बात। अम्मी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। अम्मी, आप सारिन के घर वालों को एक बार आने की इजाजत दे दें। जिस जगह रिश्ता ही नहीं करना, उनसे मिलके मैं क्या करूं? लेकिन अम्मी वो लोग। लेकिन तुम ये क्यों भूल जाती हो कि मैं तुम्हारी भाभी को मीरब के लिए जबान दे चुकी हूँ, और वो जो सारिन को दिल दे चुकी है। सॉरी अम्मी, मीरब शान के साथ खुश नहीं रह सकती। अब वो इतना बुरा भी नहीं। अच्छा ठीक है, अगर वो इतना ही अच्छा है तो आपने तब क्यों इनकार किया था रिश्ते से, जब भाभी ने उसका रिश्ता मेरे लिए दिया था? अम्मी, वो तब बुरा था तो अब अच्छा कैसे हो सकता है? वो अच्छा नहीं हुआ, मीरब बुरी हो गई है। ऐसा नहीं है अम्मी, आप लोगों को गलत फहमी हुई है। वो बस थोड़ी सी नाफरमान हो गई है, लेकिन उसमें उसका कोई कसूर नहीं है। जब मोहब्बत होती है तो नाफरमानी हो जाती है।
तो वो भी थोड़ी सी नाफरमान हो गई। लेकिन अम्मी, आप उसको उसकी नाफरमानी की इतनी बड़ी सजा मत सुनाएं, प्लीज। आई लव यू अम्मी। मीरा, 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 क्या हो गया? अम्मी ने हाँ कर दिए। किस बात पर? तुम्हारे और सारिम के रिश्ते के लिए। अब तुम उन लोगों को इनवाइट कर सकती हो और सारिम से कहना कि सिर्फ तुम्हारा हाथ ना मांगने आए बल्कि आकर तुम्हें अपने साथ ले जाए। तुम्हें ये सब अम्मी ने कहा है? नहीं, ऐसा मेरे दिल ने कहा है। तो फिर दिल की छोड़ो और घर वालों की बोलो। ये कहो ना कि अम्मी ने सारिम को इनवाइट किया है और शान को इनकार कर दिया। नहीं, अम्मी ने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। तो फिर अम्मी के पास जाओ और उनसे पूरी बात करके आके फिर मुझे बताओ, क्योंकि ये आधी अधूरी बात पे मैं सारिम के घर वालों को नहीं बुला रही। हाँ नहीं, सॉरी। आपको वहां शान और मीरब की शादी तय करने भेजा था और आप मुझे ये खबर सुना रहे कि मीरब को कोई और फैमिली देखने आ रही है। मतलब मेरे भाई के मंगेतर को कोई और लड़का देखने आ रहा है। कौन सी मंगेतर? शान और मीरब की सिर्फ बात हुई है, मंगनी नहीं। इस अधूरे रिश्ते से हमारी जलालत तो पूरी हो रही है ना। और वो क्या नाम बताया था उस लड़के का आपने? सारिम। ये वही सारिम है ना जिसकी वजह से आपकी अम्मा ने मीरब और शान का रिश्ता तय किया था? ओहो, तो आज आपकी माँ के दिल में अपनी बेटियों के लिए मोहब्बत जाग गई। जैसा वो कह रही हैं वो वैसे ही कर रही हैं। क्या पता माँ जी मीरब की जिद की वजह से कर रही हूँ। मैं भी तो यही कह रही हूँ कि आप अपनी अम्मी से जाके एक बार बात कर लें और मुझे भी बताएं कि मैं अपने भाई को क्या जवाब दूँ। ये कहूँ कि उसकी मंगेतर को कोई और लड़का देखने आ रहा है और जब वो सारिम उसे रिजेक्ट कर देगा तो वो तुम्हारे हिस्से में आ जाएगी। क्या कह रही हो सोनिया? मैं वही कह रही हूँ जो आपकी माँ और बहनें कर रही हैं। मैं भी देखती हूँ ये सब कैसे होता है। ओ खुदाया। आओ बेटा। आई। शुक्रिया। आ जाइए। बहुत खुशी हुई आप लोगों के आने। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आए बेटा, बैठिए।